आज की जो प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से आयोडीन डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों के संबंध में है। आयोडीन एक तत्व है जिसकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है या हो सकता है दमे बेवकूफ़ हो जाए, उसका विकास ना हो, गर्भवती माताओं में गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चा जो पैदा होगा वो आगे भी चल करके घेघा होने की वो हो जाती है। एक लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि वो ढोका वाले नमक को यूज़ करते हैं, तो इस एक तरह से ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हर आदमी आयोडीन की आवश्यकता को समझे और नमक आयोडीन युक्त ही नमक प्रयोग करें।